बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम रेडी कर रहे हैं चिकन रोस्ट। तो ये बहुत ही स्पाइसी सी और मज़ेदार सी रेसिपी है और थोड़े से इंग्रेडिएंट डाल के बहुत ही बिल्कुल शादी वाला चिकन रोस्ट घर में ही रेडी हो जाता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ये बहुत ही डिलीशियस सा चिकन रोस्ट। तो इसके लिए जो मसाले वगैरह हमें चाहिए हम आपको दिखा देते हैं। तो इसके लिए लेनी हमने 4-5 साबुत मिर्चें और 2 टीस्पून हमने ले लिया है साबुत धनिया, और ये ले लिया हमने 1 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून हमने इसमें ले ली हैं काली मिर्चें, 3-4 हमने ले ली हैं इसमें लौंग, और एक छोटी स्टिक हमने ले ली है दालचीनी की, इसमें थोड़ा सा खुशबू लाने के लिए। तो एक छोटी सी स्टिक हमने ले ली है दालचीनी की। तो ये मसाले हैं जिन्हें हम अच्छे से कूट लेंगे सब चीज़ों को एक साथ, धनिया, साबुत मिर्चें, ज़ीरा और काली मिर्चें वगैरह, इन सबको एक साथ डाल के हम अच्छे से इनका एक दरदरा सा पाउडर रेडी कर लेंगे। ये हमने लिया है एज पर टेस्ट नमक मिर्च जो हम इसमें डालेंगे, और दही ले लेंगे। तो ये हमने 200 ग्राम दही ले लिए। अभी आपको हम दिखा देते हैं थोड़ा सा हरा मसाला। तो इसमें हमने ले लिया है एक छोटा टुकड़ा अदरक का, हरा धनिया जो हम इसमें चॉप करके डालेंगे, 2 हमने ये मोटी वाली हरी मिर्च ली हैं जो कम स्पाइसी होती हैं, और 3 हमने ली हैं पतली वाली हरी मिर्च, 1 नींबू इसमें हम डालेंगे और 7-8 कलियां हम इसमें डालेंगे लहसुन की। तो इन सब चीज़ों को भी हम पीस लेंगे और हरा धनिया को चॉप कर लेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हम हरी मिर्चें वगैरह डाल देते हैं। तो इस तरह से पेस्ट आप इसका डालेंगे थोड़ा सा कूट के, तो उसका एक अलग ही फ्लेवर आएगा, बहुत मज़ेदार चिकन रोस्ट रेडी होगा। ये थोड़े से टिप्स होते हैं किसी भी रेसिपी को मज़ेदार बनाने के लिए। तो आप इस तरह से इसे डालेंगे तो देखिएगा कि चिकन रोस्ट में एक अलग ही फ्लेवर आएगा। अब इस पर हम डाल देते हैं लहसुन भी ऐसे रफली चॉप करके, और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से इसमें ही खरल में अच्छे से इन्हें पेस्ट बना लेंगे, अच्छे से इसमें पीस लेंगे, तो उससे एक अलग ही फ्लेवर आएगा इस तरह से पीस के डालने से इसमें। तो ये हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन हमने सब इसमें काट लिया है। अब इन्हें सबको हम अच्छे से कूट लेंगे और इनका एक पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो थोड़ा टाइम लगेगा बट फ्लेवर इसका बहुत अच्छा आएगा। तो अब इसे हम कूटना शुरू कर देंगे। अब ये देखिए इसके साथ साथ ये में सारा मसाला इसे भी दरदरा सा इसमें पीस लेंगे। आप चाहें तो ग्राइंडिंग जार में भी डाल के पीस सकते हैं थोड़ा दरदरा सा पेस्ट। अब ये देखिए हमने चिकन अच्छे से वॉश कर लिया और इन्हें इस तरह से लेग पीसेस में हमने कट लगा दिए, और जो आपको बड़ा पीस नज़र आए उसमें भी आप इस तरह से कट लगा दें। तो ये देखिए इसे मसाला इसमें अच्छे से अंदर तक सोख हो जाएगा। अब इसमें हम डाल देते हैं ये मसाला जो अभी हमने रेडी करा है। ये देखिए थोड़ा सा दरदरा सा हमने इसे पीस लिया है, ये इसमें डाल देंगे हल्का सा दरदरा, तो इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी चिकन रोस्ट में। और बिलीव करिएगा बहुत ही अच्छा, सारी चीज़ें बैलेंस में इसमें डली थी। अभी देखिए हमने ये जो मसाला रेडी करा था पीस के, ये भी इसमें डाल देंगे हरा मसाला। और जब मैरिनेशन के बाद आप इसे फ्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इन सब मसालों का कितना अच्छा फ्लेवर आया है। अच्छा, स्पाइसेस की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमने तो स्पाइसी सा बनाया है, आप चाहें तो इसमें कम भी डाल सकते हैं मिर्चें वगैरह। अब इसमें हम डाल देंगे दही। तो दही को हमने अच्छे से बीट करके रख लिया था, ये इसमें डाल देंगे, बहुत गाढ़ा और फ्रेश दही इसमें डालें। तो ये 1 बड़ा वाला बोल हमने ले लिया था, समझिए 200 ग्राम दही लिया है हमने, 1 कप ये डाल दिया इसमें। इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून कलर, रेड फूड कलर डाल देंगे अच्छा सा कलर लाने के लिए, और 1 लेमन इसमें स्क्वीज़ कर देंगे। तो बहुत खट्टा सा और मज़ेदार सा स्पाइसी सा ये चिकन रोस्ट हमारा रेडी होगा। ये डाल देंगे इसके अंदर। तो ये बड़े साइज़ का फुल लेमन हमने डाल दिया। अगर आपके पास छोटे साइज़ के हों तो आप इसमें 2 नींबू डालें, क्योंकि नींबू से ही इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ग्रीन पेस्ट और नींबू इसके मेन इंग्रेडिएंट हैं कि जिनसे इसमें फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। अब इसमें हम डालेंगे
नमक और मिर्च, 1 टीस्पून इसमें हमने डाल दी है रेड चिली पाउडर, और सॉल्ट डाल देंगे एज़ पर टेस्ट। तो इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून ही इसमें हम सॉल्ट डाल देंगे। तो ये इसमें डाल के एज़ पर टेस्ट, और हरा धनिया डाल देंगे इसमें फाइनली, चॉप्ड हरा धनिया बारीक कटा हुआ। फिर जब चिकन रोस्ट करेंगे तो इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। बस अब हम हाथ से ही इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, सारे मसाले सब पीसेस पे अच्छे से लग जाएं। तो इसे आप हाथ से मिक्स कर दें, क्योंकि स्पून से इतने अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। मसालों को अच्छे से अंदर तक इसमें लगा देंगे सारे कट्स में, और अब हमने इसे क्लिंग फॉइल से रैप कर दिया और इसे रख देंगे हम 1 आवर, या आपके पास जितना भी टाइम हो तो इसे मैरिनेट होने के लिए रख दें, और ओवरनाइट रख देंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये देखिए, हमने 2 घंटे के लिए इसे मैरिनेट करा था, और अब हमने फ्रिज में से इसे निकाल लिया है, अच्छे से मैरिनेट हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। तो बस ये रोस्ट करने से जस्ट पहले हमने इसमें ऑयल डाल दिया है। आपके पास जितना टाइम हो तो इसे अच्छे से मैरिनेट कर लें, तो मसाले वगैरह इसमें सब अच्छे से चिकन एब्जॉर्ब कर लेता है, और चिकन भी हमारा बहुत जूसी सा रेडी होता है। तो कम से कम 1 आवर या उससे ज़्यादा आप इसे मैरिनेट ज़रूर करें। तो बस ये सब ऑयल भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे चिकन के अंदर, और फिर इसे रोस्ट होने के लिए रख देंगे। देखिए, बस एक बार इसे हमें ऐसे मिक्स कर लेना है कि मसाले और ऑयल सब अच्छे से इसमें फिर से मिक्स हो जाए। अब ये देखिए, बस हमने एक स्टैंड ले लिया है अवन का, और इस पर सिल्वर फॉइल लगा लिए, उसके ऊपर हम लगाना स्टार्ट कर देंगे ये चिकन के पीसेस। देखिए, इस तरह से इस पे रख देंगे रैक पे। देखिए, अवन रैक के ऊपर हमने फॉइल लगा लिए, और ऑयल तो हमने इसमें डाल ही दिया था, तो हमें ऊपर से लगाने की इस पर ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से इस पर अब हम ये पीसेस अरेंज कर लेंगे। अगर आपको पैन में करना है तो पैन में आप थोड़ा सा ऑयल डाल के और इन्हें इस तरह से पीसेस को अच्छे से रोस्ट कर लें, और फिर थोड़ी देर बाद उसको टर्न कर दें। तो देखिए, अभी हमने 1 बैच लगा दिया, और ये थोड़ा हमारे पास चिकन बचा है जिसे हम 2nd बैच में रोस्ट करेंगे। और ये देखिए, थोड़ी देर बाद ही कितना ज़बरदस्त और बहुत अच्छे से अंदर तक क्रिस्पी ये हमारा चिकन रोस्ट रेडी हो गया है। ये देखिए कितने अच्छे से, हम आपको दिखा देते हैं, इसके एक पीस बहुत अच्छे से अंदर से रेडी हो गया, मसालों का बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आया था। तो ये देखिए, सारा चिकन हमने रोस्ट कर लिया है, और ये हमारा बहुत ही शानदार सा प्लेटर रेडी हो गया है चिकन रोस्ट का। तो इसे हमने गार्निश किया है थोड़ी सी लच्छेदार प्याज, हरे धनिए और नींबू के स्लाइसेस से। तो नींबू के स्लाइसेस आप इसके साथ ज़रूर रखें, जिससे इसमें एक अलग ही फ्लेवर आता है। और आप कट्स देखें कितने अच्छे लग रहे हैं, और कोई भी चिकन का पीस इसमें ऐसा नहीं था जिसमें मसाला अच्छे से ना गया हो, और लेग पीसेस में बहुत अच्छे से इस कट्स की वजह से बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया था मसाला। तो उम्मीद करते हैं कि चिकन रोस्ट की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को देखते रहें। आपसे फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।